हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्जोवर्सिस से आज आपसे बात करेंगे सुपर वीज़ा के रिगार्डिंग। सुपर वीज़ा को इसको एप्लीकेंट है, कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए और कैसे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। अगर कोई भी कनाडा में पीआर है या सिटीजन है तो वो अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को बुला सकते हैं, ये उनके लिए एलिजिबिलिटी बनती है। कि आप अगर पीआर हैं कनाडा में या आप सिटीजन हैं तो आप अपने पेरेंट्स को, मदर को, फादर को या दोनों को या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बुला सकते हैं। जो वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं या वर्क परमिट पर हैं वो नहीं बुला सकते, उसके लिए पीआर या सिटीजनशिप होनी ज़रूरी है। सेकेंडली, ये इसमें और विजिटर वीज़ा में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अगर आप पीआर है तो आप विजिटर वीज़ा पे भी बुला सकते हैं। तो ये डिफरेंस ये रहता है कि अगर आपको विजिटर वीज़ा मिला है 10 ईयर्स का मल्टीपल एंट्रीज का, तो आप एक टाइम में 6 मंथ से ज़्यादा वहाँ नहीं रुक सकते। अगर आपने 6 मंथ से ज़्यादा रुकना है वहाँ पर एक ही विजिट में, तो आपको सुपर वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सुपर वीज़ा में आपको 2 ईयर्स एट ए टाइम रुक सकते हैं। विजिटर वीज़ा में वीज़ा 10 ईयर्स का मिलता है, एट ए टाइम आप 6 मंथ से ज़्यादा नहीं रुक सकते। सुपर वीज़ा में आपको अगेन 10 ईयर्स का वीज़ा मिल सकता है और 2 ईयर्स के आप 2 ईयर्स तक वहाँ स्टे कर सकते हैं। उसके बाद भी आपके पास प्रोविज़न होती है कि आप इमिग्रेशन को रिक्वेस्ट करके 1 ईयर तक इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, या आप मल्टीपल टाइम आप 2 ईयर्स के लिए विजिट कर सकते हैं, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसके लिए चाहिए क्या होता है, आपको सिर्फ एक इंश्योरेंस करवानी होती है जी। अगर मान लीजिए पेरेंट्स ने इकट्ठे जाना है, दोनों को मदर फादर ने जाना है, तो उन दोनों की 1 ईयर की कम से कम इंश्योरेंस होगी। वो कैनेडियन कंपनी से ही होनी चाहिए इंश्योरेंस, तो वो इंश्योरेंस मैंडेटरी है। इसके अलावा जो स्पॉन्सर कर रहा है, अगर मान लो उनका बेटा या बेटी स्पॉन्सर वहाँ से कर रहा है, तो उसका फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए, उसके सेविंग्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, उसके पास अगर अपना घर होगा दैट वुड बी द बेटर थिंग। और प्लस उसकी जो टैक्स है, वो टैक्स की अगर अच्छे टैक्स पेयर है तो दैट वुड बी द बेटर थिंग, वहाँ उसकी रिटर्न्स अच्छी होनी चाहिए। कहने का मतलब कि उनकी फाइनेंशियल्स अच्छे होने चाहिए जो स्पॉन्सर कर रहा है। तो यही बस कंडीशंस है, बाकी सेम जैसे कि विजिटर वीज़ा के लिए सिर्फ $185 लगते हैं पर पर्सन, इसमें भी सेम फीस है, सिर्फ एक इंश्योरेंस का एक्स्ट्रा है। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए या आप विजिटर वीज़ा अप्लाई भी करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको रिवर्ट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल्स ओवरसीज, विजिट अस और कॉल अस फॉर वीज़ा सर्विसेज। फॉलो अस ऑन आवर सोशल हैंडल्स फॉर लेटेस्ट ऑफर्स एंड अपडेट्स।